हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीखने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इट्स टाइप। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिटेल में सीखेंगे और उसके जो टाइप्स हैं पहले उसको देखेंगे, फिर अगली वीडियोज में उसके टाइप्स को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। रेडी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, देखिए बहुत सिंपल आपका ये हेडिंग है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। किसकी प्रॉपर्टीज होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? किसी भी सॉल्यूशन की कुछ इंडिविजुअल या कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। कैसे, देखिए, सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आपको मालूम है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलती है बेसिकली। बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इसका सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कुछ स्पेसिफिक आपका वो सॉल्यूशन होता है। उसमें क्या होता है, कंडीशन देख लीजिए। पहले हम देखेंगे कंडीशन, कंडीशन देखेंगे। कंडीशन में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है उसमें हमें देखना होता है। सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो सकता है, बेसिकली लिक्विड ही होता है, और वॉलेटाइल लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है? वॉलेटाइल लिक्विड होगा, ठीक है। और सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, बेसिकली सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, गैस भी होता है कभी कभी, लेकिन बेसिकली ज्यादा सॉलिड या लिक्विड, लिक्विड को हम प्रेफर करेंगे। और वो होता है हमेशा नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। वो कैसा होगा? नॉन वॉलेटाइल होगा, यानी उड़ेगा नहीं वो आसानी से। वो ऐसा लिक्विड होगा जो कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल नेचर का होगा, ठीक होगा। ये कंडीशन हमारा इसके लिए है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। सबसे पहली बात क्या बोला मैंने, कंडीशन क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, बेसिकली वॉलेटाइल लिक्विड होना चाहिए, और सॉल्यूट आपका सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, बेसिकली लिक्विड को प्रीफर करेंगे, और लिक्विड कैसा होना चाहिए आपका, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका उसमें हम क्या देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम उसमें देखने वाले हैं क्या होता है। ओके, तो इस सॉल्यूशन को हमने कैसे बनाया होगा बताइए जरा। सॉल्यूशन को हमने दो चीजों से ऐड करके हमने इसको बनाया होगा। सबसे पहली चीज इसमें क्या होगी बच्चों, बताइए, इसमें होगा सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है, ओके, और ये आपका है, सपोज ये आपका, मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ इसको, ये है आपका सॉल्यूट। ये भी यहाँ किस फॉर्म में बच्चों, प्योर फॉर्म में है, ठीक है ना, प्योर फॉर्म में है, ओके। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे तो इसके भी जो आपका सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल भी आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, ऐसे करके पूरे सॉल्यूशन में होंगे, उसकी सरफेस पर भी कुछ पार्टिकल होंगे। आपको मालूम है आपका ये जो है थ्रू आउट सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये तो मालूम है, बस मैं इतना दिखा रहा हूँ, वो तो आपका क्या होता है, सेम होता है, फेज पूरा सेम होता है। हाँ, सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें हैं, इसलिए थोड़ा सा इसके पार्टिकल में अलग तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास सपोज इसके कुछ एक मोल था, या फिर 1.5 मोल, यानी कुछ ना कुछ इसके मॉलिक्यूल थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, उसी को तो मोल बोलते हैं। अगर 6.022 × 10²³ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है सॉल्यूट के, तो उसको 1 मोल बोलेंगे, है ना। अगर ज्यादा होंगे तो 1.52 वगैरह वगैरह हो सकता है, ठीक। तो देखिए अब कैसे डिफाइन करते हैं, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए, ये सॉल्यूशन है, इसकी वो सारी प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन दिस सॉल्यूशन, राइट। यानी किसी भी सॉल्यूशन की वो सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो किस पर डिपेंड करती हैं बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेंगी वो, ठीक है। देखिए, साइज सॉल्यूट पार्टिकल का छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, केमिकल बिहेवियर कैसा भी हो, अलग अलग मॉलिक्यूल हो, कोई रिलेशन नहीं है। बस आपका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर ही ये क्या प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिपेंड करेगी कि कितना नंबर आपका जो है सॉल्यूट पार्टिकल का, कितना मोल है या कितना नंबर है, ठीक है ना। तो फाइनली इसकी डेफिनेशन देख लीजिए बच्चों, डेफिनेशन हम कैसे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ओके, जो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट दी साइज और केमिकल बिहेवियर ऑफ दी सॉल्यूट पार्टिकल। उस पर बिल्कुल भी आपका वो किसी दूसरी चीज पे आपका डिपेंड करेगी ही नहीं, वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाएंगी बच्चों,
दो प्रॉपर्टीज विल नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। चलिए एक बार और डेफिनेशन सुनिए और याद करिए इसको मेरे साथ। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ओके विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पार्टिकल, ओके विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यू कैन से मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, राइट। चलिए तो ये तो कहानी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंडीशन उसके लिए आप लिख सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। तो यानी एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। और वो कब बनेगा सॉल्यूशन, जब प्योर सॉल्यूट में हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये तो था आपका क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो आपका सॉल्यूशन होता है वो अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल पर अगर डिपेंड करता है, वो चार टाइप के होते हैं बेसिकली, वो फोर टाइप्स के होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपका जो, देखिए बच्चों, प्योर सॉल्वेंट होगा उसके बाद जो सॉल्यूशन बना होगा, जब हम उसमें क्या मिलाएंगे, सॉल्यूट मिलाएंगे, ठीक है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा प्योर से, ठीक है ना। प्योर से क्या होगा, कम होगा, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका कम हो जाता है ये ऐड करने के बाद। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इसका और कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन प्योर वन, राइट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथा फोर्थ वन जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये फोर्थ है और अगले वीडियोज में आपको मैं एक एक करके बता दूंगा कि आपका ये सारी चीजें होती क्या है और कैसे प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, जब हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाती हैं, वो चार टाइप के होते हैं, वो आपके अगले वीडियोज में डिस्कस की जाएंगी, ठीक है बच्चों। तब तक आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और वो किस पे डिपेंड करती है, बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पार्टिकल पे, साइज छोटा है बड़ा है डजंट मैटर, ओके, नंबर कितना है उस पर डिपेंड करेगी। और कितने टाइप के होते हैं, फोर, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन मतलब बढ़ना इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। बेसिकली बच्चों ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जब आप दो बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं उसका मोलर मास डिटरमाइन करने के काम आता है, ध्यान देना। बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, इन सारी चीजों से, ऑलमोस्ट सारी चीजों से हम क्या निकालते हैं कि जो आपका सॉल्यूट ऐड हुआ है उस सॉल्यूट का मोलर मास क्या है, यानी वो कौन सा मॉलिक्यूल है, बेसिकली वो फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आज इतना ही करते हैं, अगले वीडियोज में हम ये देखेंगे, ओके। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।